नमस्कार दोस्तों, PLCRDHM चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज पशुधन सहायक के 50 मोस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। तो दोस्तों, जिस भी दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर दबा ले, जिससे मैं जितने भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और शेयर भी करें। आइए चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, स्थूल शरीर रचना विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑस्टियोलॉजी। और अगला क्वेश्चन है, एक तंतु में संयोजी ऊतक जो मांसपेशियों को एक दूसरे से अलग करती है उसे कहते हैं, तो उसे फेसिया कहते हैं। और अगला क्वेश्चन, हृदय के किस भाग में अशुद्ध रक्त रहता है। तो इसका आंसर है दाएं आलिंद और दाएं निलय। अगला क्वेश्चन है, फोवी क्या है। तो फोवी संधीय गड्ढा है। और अगला क्वेश्चन है, ट्रोकेंटर रिज, ट्रोकेंटर मेजर व ट्रोकेंटर माइनर किस अस्थि में पाए जाते हैं। तो ये फीमर अस्थि में पाए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन, त्वचा की कौन सी परत से चमड़ा बनता है। तो त्वचा की एपिडर्मिस परत से चमड़ा बनता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय की आंतरिक परत को कहते हैं। तो हृदय की आंतरिक परत को एंडोकार्डियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्राणी में मूत्राशय नहीं होता। तो मुर्गे और मुर्गियों के अंदर मूत्राशय नहीं होता। अगला क्वेश्चन, सिंह किस अस्थि का प्रोसेज है। तो यह फोरेंटल का प्रोसेज है। और अगला क्वेश्चन है, सेकंड सिस्मोइड बोन होती है। तो सेकंड एंड थर्ड फ्लैग्स के बीच में होती है। अगला क्वेश्चन, वे रक्त वाहिनियाँ जिनमें साधारणतया शुद्ध रक्त बहता है उसे कहते हैं। तो उन्हें धमनियाँ कहते हैं और जिनमें अशुद्ध रक्त बहता है उन्हें सिराएँ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पशु में पॉइंट ऑफ हिप कौन बनाता है। तो पशु के अंदर पॉइंट ऑफ हिप्स इलियम का बाह्य कोण बनाता है। और अगला क्वेश्चन, चेस्टनट किस पशु के पैर में होता है। तो वह घोड़े के अंदर होता है। और अगला क्वेश्चन, सेबेक्यूस ग्रंथि के स्राव को क्या कहते हैं। तो उसे सिबस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आंतों से रक्त सीधा पश्य वेना केवा में नहीं जाकर वह रक्त यकृत को जाकर इसके बाद पश्य वेना कोवा में जाता है, इसे रक्त संचरण को कहते हैं। तो इसे पोर्टल कार्कुलेशन रक्त परिसंचरण कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, ऑब्सुरेशन फोरामेन किन किन अस्थियों के बीच में होता है। तो यह प्यूबिस और ईसियम के बीच में होता है। और अगला क्वेश्चन है, पिवोट की भांति की संधि होती है। तो इसका आंसर है एटलांटो एक्सिस जोंट। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोवंश में कशेरुकाओं का सूत्र होता है। तो गोवंश में कशेरुकाओं का सूत्र होता है C7TH13L6S5CY18-20। और अगला क्वेश्चन है, गाय के वक्र का आकार होता है। तो गाय के वक्र का आकार बेन सेफर होता है। और अगला क्वेश्चन, ह्यूमरस अस्थि का सिर किसमें दशा होता है। तो ह्यूमरस अस्थि का सिर ग्लेनोइड गुहा के अंदर दशा होता है। और अगला क्वेश्चन है, ग्रीवा में कौन सी कशेरुका सिर की भांति गोल होती है। तो वह एटलस होती है। और नर में शुक्राणु किस अंग में बनते हैं। तो वर्षण कोष के अंदर बनते हैं। अगला क्वेश्चन, फिटस रक्त संचरण में पल्मोनरी धमनी किसके द्वारा एओर्टा में मिलती है। तो यह एक्टस और आर्टेरियोसस से मिलती है। और अगला क्वेश्चन है, कैनन बोन किसे कहते हैं। तो कैनन बोन कहते हैं बडी मेटा टार्सल और बडी मेटा कार्पल्स दोनों को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मादा पशु का कौन सा अंग मुख्य है। तो मादा पशु का मुख्य अंग अंडाशय होता है। अगला क्वेश्चन है, मुर्गे में क्लोइका के तीन भाग होते हैं। तो वो होते हैं
यूरोडियम और प्रोटोडियम, और अगला होता है इसका क्रोपोटोडियम। अगला क्वेश्चन है, पशु शरीर रचना विज्ञान की वह कौन सी शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न पशु और पक्षी की शारीरिक रचनाओं को बराबर रखकर उसके अंतर्गत की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, तो इसे तुलनात्मक शरीर रचना विज्ञान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस पशु में सेमाइनल वेसिकल व काउपर नामक सहायक ग्रंथ प्रजनन ग्रंथि नहीं पाई जाती, तो कुत्ते के अंदर नहीं पाई जाती, घोड़ा सांड और सुअर के अंदर यह सेमाइनल वेसिकल व काउपर नामक सहायक प्रजनन ग्रंथियाँ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, वक्र में मूत्र वाहिनी के चौड़े भाग को कहते हैं, तो उसे पेल्विस कहते हैं। और अगला क्वेश्चन, ट्रोकिली किस अस्थि का भाग है जहाँ पटेला ऊपर नीचे खिसकता है, तो वह फीमर अस्थि का भाग है। अगला क्वेश्चन है, किस नर प्राणी के पेनिस नहीं होता, तो वह मुर्गे के अंदर नहीं होता। और अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार की कशेरुकाओं के ट्रांसवर्स प्रोसेस लंबे होते हैं, तो लंबर होते हैं, लंबर कोशिकाओं के। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन, सांड की थूई के निर्माण में कौन सी कशेरुकाएँ सम्मिलित होती है, तो थोरेसिस होती है। और किस पशु की सेमिनल वेसिकल ग्लैंड बहुत बड़ी होती है, तो वह सुअर की होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कुत्ते की स्टर्नम में कुल कितनी कशेरुकाएँ अथवा सेगमेंट होते हैं, तो कुत्ते की स्टर्नम में कुल कोशिकाएँ अथवा सेगमेंट 8 होते हैं। और अगला क्वेश्चन है, गोवंश के दाएं फेफड़े में कितने खंड होते हैं, तो गोवंश के दाएं फेफड़े में 4 खंड होते हैं। और कुतिया के कितने थन होते हैं, कुतिया के 10 थन होते हैं, 5 जोड़ी। वे पसलियां जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से में उरोस्थी से नहीं जुड़ती उसे कहते हैं, तो उन्हें फ्लोटिंग रिब कहते हैं। और अगला क्वेश्चन, लेरिंग की पत्तीनुमा आकृति की उपास्थि को कहते हैं, तो उस एपिग्लोटिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मुर्गी में अंडे का बाह्य आवरण अंडवाहिनी का कौन सा हिस्सा बनाता है, तो वह स्थेमस बनाता है। और अगला क्वेश्चन, निम्न में से उपांगीय कंकाल का भाग नहीं है, तो इनमें से कशेरुकाएं का उपांगीय कंकाल का भाग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, प्राणी जगत का सबसे कठोर पदार्थ होता है, तो प्राणी जगत का सबसे कठोर पदार्थ एनामल होता है। और अगला क्वेश्चन है, अस्थि का एक छोटा समतल विशिष्ट स्थान जहां अस्थि के सिरे संधिबद्ध होते हैं, तो वह फॉसेट है। और अगला क्वेश्चन, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण करता है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है। अगला क्वेश्चन है, घोड़े के ऊपरी होंठ के बीच में जो दरार होती है उसे कहते हैं, जो बीच में घोड़े के दोनों होंठों के बीच में दरार होती है उसे फिल्ट्रियम कहते हैं। और गाय के कपाल में कुल अस्थियां होती है, तो गाय के कपाल में कुल 11 अस्थियां होती है। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन निम्न में से किस प्रकार की कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, तो यह बी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, यानी कि बीटा कोशिका। अगला क्वेश्चन, ओसरोस्टेक नामक विसरल अस्थि किस पशु में पाई जाती है, तो यह सुअर के अंदर पाई जाती है। निम्न में से किस प्रकार के घोड़े में बिल्कुल चलन यानी मूवमेंट नहीं होता, तो यह एसवाइन साइन अथोरोडिकल के अंदर नहीं होता। और अंतिम क्वेश्चन, वर्षण की कौन सी कोशिका शुक्राणुओं का पोषण तत्व उपलब्ध कराती है, तो वह सर्टोली कोशिकाएं होती है। ये था आज का अंतिम क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।